महिंद्रा ने अपना एक न्यू पेटेंट को फाइल कर दिया है, जिसमें हम लोगों को एक स्मॉल एसयूवी यानी टाटा पंच के सेगमेंट का एक एसयूवी देखने के लिए मिल रहा है, जिसका अगर हम लोग रूमर्स को मैच करने का कोशिश करें तो उस एसयूवी का नाम महिंद्रा एक्सयूवी 200 हो सकता है। अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें तो आपको पता ही होगा महिंद्रा का ये फर्स्ट एसयूवी नहीं होने वाला है जो टाटा पंच के सेगमेंट में आता था। इससे पहले महिंद्रा का एक और एसयूवी हुआ करता था जिसका नाम महिंद्रा केयूवी 100 NXT था, जिसका पुअर सेल्स होने की वजह से महिंद्रा ने इसी साल अप्रैल के महीने में डिसकंटिन्यू कर दिया था। लेकिन महिंद्रा यह बात बहुत अच्छे से जानती है कि इस सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, जिसके वजह से महिंद्रा अपना केयूवी 100 NXT को एक नया नेम के साथ, नया फीचर्स के साथ, नया लुक्स के साथ भारत में दोबारा से लॉन्च करने वाली है, जिसका नेम महिंद्रा एक्सयूवी 200 होने वाला है। महिंद्रा एक्सयूवी 200 महिंद्रा का एंट्री लेवल एसयूवी होने वाला है, जिसका अगर हम लोग इंजन ऑप्शन के बारे में बात करें तो यह गाड़ी सेगमेंट का इकलौता ऐसा कार होगा जिसमें हम लोगों को डीजल इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस गाड़ी में आपको सेम महिंद्रा केयूवी 100 NXT वाला 1.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो 90 bhp के पावर के साथ 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा। इतना छोटा साइज डीजल इंजन होने के वजह से यह गाड़ी आपको हाइब्रिड इंजन इतना माइलेज यानी 25.52 यानी ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगा, और साइज में कॉम्पैक्ट होने के वजह से इस गाड़ी में आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी मिलेगा। और तो और अगर हम लोग इसके सेकेंड इंजन ऑप्शन के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में भी आपको सेम 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड नॉर्मल वाला पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 82 bhp के पावर के साथ 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा, जो इंजन आपको अराउंड 21 से लेकर 22 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज प्रोवाइड करके देगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात करें तो यह गाड़ी फीचर्स के लिस्ट में भी सेगमेंट में सबसे ज्यादा ऊपर होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको सेगमेंट फर्स्ट एडास के एक दो फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। एक बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले इस गाड़ी में ऐड कर दिया जाएगा, नया स्पीडोमीटर आपको मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी में ऐड कर दिया जाएगा, हो सकता है कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिले, और तो और इस गाड़ी में एक छोटा सा सनरूफ भी ऐड कर दिया जाएगा। उसके सिवाय इंटीरियर को पूरा का पूरा चेंज करके अपडेट और बहुत ही ज्यादा मॉडर्न बना दिया जाएगा। और अगर हम लोग इसके बाहर के लुक्स के बारे में बात करें तो बाहर में भी लुक्स में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। इसमें फ्रंट का डिजाइन को कम्प्लीटली चेंज करके न्यू बना दिया जाएगा, और साइड में हल्का फुल्का चेंजेस होंगे, जैसे कि न्यू अलॉय व्हील्स, न्यू ORVM डिजाइन, न्यू रूफ रेल्स डिजाइन, ये सब। और रियर में हो सकता है कि आपको कनेक्टेड लाइट्स भी देखने के लिए मिले। नेक्स्ट अगर हम लोग इस गाड़ी के सेफ्टी के बारे में बात करें तो अगेन ये एक इंडियन कंपनी है, और वो भी महिंद्रा कंपनी का, तो इस गाड़ी में आपको 100% 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग देखने के लिए मिलेगा। सबसे आखिर में अगर हम लोग इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो यह गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 6 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। तो यही था महिंद्रा XUV 200 से रिलेटेड न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर महिंद्रा XUV 200 से रिलेटेड फीचर अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।